सो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं बायो पढ़ने जा रहा हूँ। आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ क्योंकि आज संडे है और मेरी क्लास भी आज 10 बजे से है। लेकिन आज मुझे क्लास जाना नहीं है क्योंकि आज मुझे कहीं और जाना है। उस जगह जाना है जहाँ जाने की कोशिश मैं बहुत दिनों से कर रहा था। एक सपना था यार वहाँ जाने का, फाइनली वो दिन आ गया है। आगे वीडियो में आपको सब कुछ दिखाएंगे, बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है। सो गाइज, मैं नहा धो के रेडी हो गया और यह है मेरा ब्रेकफास्ट, आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको खाते हैं फिर चलेंगे। मेरा एक दोस्त वेट भी कर रहा है मेरा दुर्गा कुंड चौराहे पे। सो गाइज, फाइनली हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं तारों के शहर में, फिर वहाँ का सीन आपको दिखाते हैं। वैसे ऑटो में बैठने का आनंद कुछ और होता है ना, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आपको अच्छा लगता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं अपनी मंजिल तक, आप देख सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, हाय कर दो। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर क्या होता है, किस लिए हम लोग आए हैं। चले गाइस, ये देखिए यहीं पर आ रहे थे हम लोग। ये है पोएट्री इवेंट TRD द्वारा और मैंने पार्टिसिपेट भी किया है इसमें। चलिए आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। गाइस, ये देखिए TRD का मंच कितना खूबसूरत लग रहा है ना। यह एक मंच है जो खुद का कंटेंट, खुद की शायरी, खुद की पोइट्री परफॉर्म करने का मंच प्रोवाइड करता है। तो मैंने भी कुछ दिल के अल्फाज लिखे थे तो आज परफॉर्म करेंगे। गाइस, फाइनली हमारा इवेंट हो गया है, हम लोग बाहर आ गए हैं। तो चलिए थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भूख लग गया है यार। गाइस, फाइनली मैं अपने रूम पे आ गया और फाइनली आज मैंने अपना परफॉर्मेंस भी दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों का वो एक ख्वाब पूरा हो गया। ये मेरे लिए बहुत खुशी, गर्व और सौभाग्य की बात है क्योंकि TRD जैसे बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत अल्फाज थे दिल के जिसको आज मैंने बयां कर दिया, पर बंधे थे कभी अब खुलने लगे हैं, आसमां में हम भी अब उड़ने लगे हैं। राज दिल के राज ही थे अब तक कि राज दिल के राज ही थे अब तक, अब राज दिल के भी खुलने लगे हैं। पक्षियों की तरह कभी फड़कते थे पर कि पक्षियों की तरह कभी फड़कते थे पर अब पर खुलने लगे हैं, आसमां में हम भी अब उड़ने लगे हैं। ये लाइन वहाँ से आने के बाद मैं लिखा। मैं हमेशा से लिखता था लेकिन कभी मुझे इस बात का आइडिया नहीं हुआ कि मैं कैसा लिखता हूँ, लोगों को पसंद आएगा या नहीं, मेरे कंटेंट में भाव है या नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ बोला तो अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, लोग पसंद किए। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, हालांकि ये मेरे लिए अनुभव का दिन था। मैं पहली बार बोला, बहुत लोग अच्छे अच्छे लोग वहाँ आए थे तो बहुत लोगों से मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसे बोला जाता है, कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कैसे राइटिंग किया जाता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जब भी जाएंगे अच्छा ही होगा, इससे बेटर होगा। गाइस, ये देखिए चिकन बनने जा रहा है। आज मेरा दोस्त भी आया है तो बना कर खिला देते हैं यार, वरना बाद में ताना मारेगा कि एक तो ठंडी में बुलाए, ऊपर से सब्जी खिला कर भेज दिए और बाद में बुलाने पर आएगा भी नहीं। तो बना कर खिला देते हैं। सिर्फ चिकन ही बनाना है हमको क्योंकि रोटी और चावल हमने हॉस्टल से मंगवाया है। तो चिकन बन के रेडी हो गया है। गाइस, ये देखिए चिकन बन के तैयार हो गया है। प्याज भी तैयार है, जिसको भी खाना है आ जाओ, भगाएंगे नहीं यार, आ जाओ भाई, हाय कर दो। हाँ गाइस, रात के बज रहे हैं 11 और डिनर हो गया हम लोगों का। अब चलिए मैं केमिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ। गाइस, आप सभी से एक बात कहना है कि यार, यदि पढ़ाई के अलावा भी कोई टैलेंट है आपके अंदर तो आप उसे इग्नोर मत कीजिए, आप उसे दुनिया के सामने लाइए, उसे प्रस्तुत कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। पढ़ाई के अलावा भी यदि आप किसी अन्य चीज़ों में शौक़ रखते हैं तो यार बहुत अच्छी बात है, आप उसे करिए। क्योंकि खुदा यूँ ही कोई टैलेंट नहीं देता, वो भी चाहता है कि आप अपने टैलेंट से लोगों को प्रभावित करें। अब इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ाई छोड़कर आप बाकी चीज़ों पर लग जाएँ, आप पढ़ाई को प्रायोरिटी पर रखिए। जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, आपके पास वक्त हो,
तब आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।